आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का हृदय प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच नेशनल पार्क। सिवनी छिंदवाड़ा दो जिले मध्य प्रदेश के आते हैं और तीसरा जिला महाराष्ट्र का। पेंच नेशनल पार्क रुडयार्ड किपलिंग के द जंगल बुक नॉवेल के हीरो मोगली की कर्मभूमि, कथित कर्मभूमि माना जा सकता है। पेंच नेशनल पार्क के अंदर चीतल आपको यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। पर्यटकों को पेंच नेशनल पार्क जबरदस्त तरीके से लुभाता हुआ दिखता है। यहाँ पर वन्य जीव, जलचर हों, थलचर हों, नभचर हों, या हर जीव आपको बहुत आसानी से दिख जाता है। यहाँ रुकने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, रिसोर्ट्स आदि है पेंच नेशनल पार्क के आधिकारिक। ये देखिए रात का नज़ारा, रात के समय कितना खूबसूरत चांद दिखाई दे रहा है। वास्तव में पेंच नेशनल पार्क अपने आप में एक अलग अनुभूति आपको देता है। आप अलग अनुभूति यहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर आप पेंच नेशनल पार्क जाना चाहें, देखिए सूर्यास्त के समय पर्यटक कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पेंच नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो पेंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप वहां देख सकते हैं कि जब आप वहां जाना चाह रहे हैं तब पेंच नेशनल पार्क में सफारी कोर और बफर दोनों क्षेत्रों में आपकी डेट्स के हिसाब से हैं अथवा नहीं। इसके अलावा रुकने के लिए बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं। टूरिया गेट, कुंभ पानी गेट और कर्माझिरी, तीन गेटों के जरिए आप अंदर घुस सकते हैं। और यहाँ कर्माझिरी गेट पर वन विभाग के विश्राम गृह भी हैं जो बहुत रियायती दरों पर आपको मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर ये विश्राम गृह हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक चीतल, और चीतल के सर पर देखिए उसका बारहसिंगा जैसा जो उसके सींग है, सींग झड़ रहे हैं। ये इनके सींग झड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ये दिखाई दे रहा है चांद, कितना सुंदर चांद रात के वक्त यहाँ दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पेंच नेशनल पार्क में शेर आप यहां देख सकते हैं, बाघ को यहां देखा जा सकता है। बाघ तेंदुओं की भरमार है। अगर आप पेंच नेशनल पार्क के आसपास कहीं रहते हैं और वनाधिकारी आपको वो जगह छोड़ने को कह रहे हैं, देखिए यहां पर सड़क पर झंडा लगी हुई गाड़ी चली आ रही है और एक तेंदुआ भागता हुआ यहां पार करता हुआ दिख रहा होगा। इस तरीके के दृश्य खवासा और टूरिया के बीच में बहुधा दिखाई दे जाते हैं, पर यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वन्य जीव यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत सावधानी बरतने की है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। रात का नज़ारा, मनोरम नज़ारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। पेंच नेशनल पार्क अगर आप घूमना चाहते हैं, बारिश के समय में पेंच नेशनल पार्क बंद हो जाता है, चूँकि वन्य जीवों का प्रजनन का समय माना जाता है। इसलिए पेंच नेशनल पार्क में अगर आपको भ्रमण करना है तो बारिश के काल को छोड़कर आप बाकी समय में पेंच नेशनल पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप पेंच नेशनल पार्क के आसपास या वन्य क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं तो आप बिना मुंडेर वाले कुएँ ना रखें। अगर बिना मुंडेर वाले कुएं हैं, देखिए किस तरह यहाँ पर भाग के शावक, छोटे छोटे शावक और जिप्सी में सैलानी दिखाई दे रहे हैं। आप अगर बिना मुंडेर वाला कोई एक कोई कुआं है तो उस कुएं में आप मुंडेर अवश्य बनवाएं। आप अगर वन क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं तो आपको वहाँ अगर आपके मवेशी पर कोई वन्य जीव हमला करता है तो आवेशित ना हो, द्विलित ना हो, वनाधिकारियों को बताएं, वनाधिकारी आपकी हर संभव मदद करेंगे। ये देखिए जंगल के अंदर वन राज घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंच नेशनल पार्क धीरे धीरे देश के नेशनल पार्क्स बाघ अभ्यारण्यों में सबसे ऊपर आ चुका है, आता प्रतीत हो रहा है। ये रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक के हीरो मोगली की कर्मभूमि मानी जाती है। और यहाँ पर एक काले रंग का वगीरा
भी यहां पर अभी दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।